टाटा साहब के निधन के बाद सबके जहन में एक सवाल बड़ी तेजी से घूम रहा था कि भाई टाटा ग्रुप का अगला वारिस कौन होगा। इस सवाल का जवाब अब दुनिया के सामने है। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। रतन टाटा के निधन के बाद टाटा ग्रुप के सबसे बड़े स्टॉक होल्डर, टाटा ट्रस्ट की कमान टाटा साहब के सौतेले भाई नोएल टाटा को मिल गई है। शुक्रवार को मुंबई में हुई एक मीटिंग में नोएल के नाम पर सब लोगों की सहमति बन गई है। नोएल टाटा अपने पारिवारिक संबंधों और ग्रुप की कई कंपनियों में भागीदारी के कारण टाटा की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत दावेदार थे। नोएल टाटा पहले से ही सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं। नवल और सिमोन टाटा के बेटे नोएल ट्रेंट बोल्टास टाटा इन्वेस्टमेंट और टाटा इंटरनेशनल के चेयरमैन हैं। टाटा स्टील और टाइटन के वाइस चेयरमैन भी हैं। टाटा ट्रस्ट की अहमियत और आकार इस तरह समझ सकते हैं कि यह टाटा ग्रुप की परोपकारी संस्थाओं का समूह है। यह 13 लाख करोड़ रुपए के रेवेन्यू वाले टाटा ग्रुप में 66% की हिस्सेदारी रखता है। जी हाँ, टाटा ट्रस्ट में सर रतन टाटा और सर रतन टाटा ट्रस्ट और एलाइड ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और एलाइड ट्रस्ट शामिल हैं। गरीब उन्मूलन, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाले ये ट्रस्ट रतन टाटा की विरासत का अभिन्न अंग है। 2014 में वे ट्रेंट लिमिटेड के चेयरमैन हैं और 2014 से और ट्रेंट जूडियो और वेस्टसाइड की ओनर हैं। इनकी लीडरशिप में पिछले 10 साल में कंपनी के शेयरों में 6000% से ज़्यादा की तेजी आई है। नोएल की लीडरशिप में कंपनी ने ऐसे समय में कर्मचारियों और स्टोर्स की संख्या बढ़ाई जब उसके मार्केट पीयर्स कम हो रहे थे। अब तक यह बात बहुत कम लोग जानते थे कि 67 साल के नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं और कई वर्षों से टाटा ट्रस्ट सहित टाटा ग्रुप से जुड़े हुए हैं। वह नवल टाटा की दूसरी पत्नी के बेटे हैं। नोएल एक आयरिश नागरिक हैं। उनेल ने आलू मिस्त्री से शादी की है। आलू टाटा संस में सबसे बड़े शेयरधारक पलोनदी मिस्त्री की बेटी हैं। उनके 3 बच्चे हैं, लिया, माया और नेविल। टाटा ट्रस्ट की वेबसाइट के अनुसार उनके बच्चे भी परिवार से जुड़ी कुछ दान संस्थाओं के ट्रस्टी हैं। नोएल टाटा अपनी लो प्रॉपर्टी लीडरशिप स्टाइल के लिए जाने जाते हैं और रतन टाटा के मुकाबले मीडिया से थोड़ा दूर रहते हैं। रतन टाटा सर अब इस दुनिया में नहीं है, इस बात का विश्वास कई लोग अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमें इस हकीकत का सामना करना होगा। वाकई में भारत का एक बहुत बड़ा रतन अब हमसे हमेशा के लिए दूर हो गया है। लेकिन दूर होते होते उन्होंने जो कुछ भी इस देश के लिए किया, जो कुछ भी इस देश को दे कर गए हैं, उसे हम जन्म जन्मांतर तक याद रखेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी याद रखेगी। सही मायने में रतन टाटा एक उद्योगपति से कई ज़्यादा बढ़ के इस देश के एक अनमोल रतन थे जिन्हें हम खो चुके हैं, लेकिन उनकी यादें हमारे दिल और दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए ताज़ा रहेंगे। जय हिंद।